गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नया टॉपिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो जब से मानव जीवन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इवन दो जब हमारे सोसाइटी में सिविलाइजेशन नहीं था उसके पहले ही, ठीक है, उसके पहले से ही हमारे मानव जीवन की उत्पत्ति के साथ साथ ही गणित का विकास होना स्टार्ट हो गया था। फॉर एग्जांपल, जैसे आप मान लीजिए, जैसे हम पहले हमारा क्या था कि हमें भोजन बनाने का तरीका नहीं मालूम था, कैसे भोजन बनता है, क्या है, कैसे, हमें जो मिल गया पेड़ पौधों से मिल गया वो खा लिए, शिकार करके खा लिए। तो जब शिकारी मानव जो था उस समय का आदि मानव, वो शिकार करता था तो क्या करता था कि मान लीजिए दो लोग हैं, उन्होंने चार चार जानवरों का शिकार किया, तो उनकी कोई ना कोई तो लैंग्वेज रही होगी ना, कोड लैंग्वेज, हाँ हमने चार मारे, तुमने तीन मारे या तो पाँच मारे या जो भी मारे, ठीक। तो उसी समय से गणित का विकास माना जा सकता है, ठीक है। और ये ऐसा मैथ या गणित ऐसा विषय है जो आपका हर सब्जेक्ट में इसका इन्फ्लुएंस है, ठीक है, इसका इन्फ्लुएंस हर सब्जेक्ट में है, इवन और हर फील्ड ऑफ नॉलेज में है। कोई भी फील्ड ऑफ नॉलेज हो, जैसा कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, कोई भी फील्ड ऑफ नॉलेज हो सब में इसका इन्फ्लुएंस है, ठीक है। अगर इसका कैटेगराइजेशन करें हम इसके हिस्ट्री की, मैथ की हिस्ट्री की, तो कैटेगराइजेशन अगर हम करते हैं तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए एंशियंट पीरियड आएगा, देन ग्रीक पीरियड आएगा, फिर हिंदू अरेबिक पीरियड, फिर पीरियड ऑफ ट्रांसमिशन, देन अर्ली मॉडर्न एंड मॉडर्न पीरियड। यानी अगर हिंदी में हम बात करें इसी की, ठीक है, इसी की हम हिंदी में अगर बात करें तो आदिकाल, ठीक है, फिर उत्तर वैदिक काल, फिर पूर्व मध्यकाल, वैदिक काल, देन उत्तर वैदिक काल, फिर पूर्व मध्यकाल, फिर मध्यकाल जिसको स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन पीरियड भी कहते हैं हम मिडिल पीरियड को, या पीरियड ऑफ ट्रांसमिशन को, ठीक है, पीरियड ऑफ ट्रांसमिशन, मिडिल पीरियड या गोल्डन पीरियड, तीनों एक ही है, ठीक है। देन अर्ली मॉडर्न पीरियड, दैट इज उत्तर मध्यकाल, फिर मॉडर्न पीरियड या वर्तमान काल, ठीक है। अब सबसे पहले हम एंशियंट पीरियड की बात करेंगे, तो एंशियंट पीरियड में जैसे आप सब जानते हैं वेदों का युग था, ऋषि मुनियों का युग था, और उस समय कई सारे वेद और उपनिषद लिखे गए थे और बहुत सारे ज्ञानी महात्मा हुए थे, ठीक है। तो उन्हें भी जैसे आपने महर्षि व्यास का नाम सुना होगा, ठीक, तो उन्होंने अपनी ग्रंथों में, अपने पुस्तकों में बहुत सारे ऐसे शब्दों का योग मतलब प्रयोग किया है जो मैथ की लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, जैसे करोड़, लाख, महापदम, दस, नील, ये सब हिंदी की कैलकुलेशन के वर्ड्स हैं, ठीक है। अरब, दशांश, सहस्त्र, शत, शत यानी सौ, दशांश दसवां हिस्सा, सहस्त्र एक हज़ार, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स का उन्होंने यूज़ किया है, ठीक है। तो ये तो वैदिक पीरियड में हुआ। इसी तरह जब सिमिलरली पश्चिमी देशों में इसी टाइम पे, ठीक है, इसी टाइम पे क्या हुआ, पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अरब्स में, ठीक है, हिंदी में जब वो नंबर्स स्टार्ट हुए तो यहाँ से हमारा नंबर्स का जो नंबर्स का नॉलेज था यहाँ से वहाँ गया, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो इन्होंने, क्योंकि इंडिया से वहाँ पास आउट हुआ था, तो उन्होंने इसको हिंदशा बोला हिंदी में, ठीक है, इन अंकों को, एक से नौ के अंकों को हिंदशा बोला। क्या बोला? हिंदशा, ठीक। और हिंदू अरबिक नंबर 0 to 9 बनाए गए, ठीक है। फिर आया उत्तर वैदिक काल, ठीक है, नेक्स्ट हमारा आया उत्तर वैदिक काल, ठीक। उसमें उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि जो कि जिसका कालखंड कम से कम माना जा रहा है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। उत्तर वैदिक काल को हम लोग जनरली कह सकते हैं ज्योतिष काल था, ठीक है। उसमें जैसे शुल्क सूत्र आया, ठीक है, शुल्क एक मैथमेटिशियन थे, उनका उन्होंने अपने सूत्र दिए, और सूत्रकार उनके तीन थे, बौधायन, आपस्तब और कात्यायन, उनके तीन सूत्रकार थे, उनमें से बौधायन, आपस्तब और कात्यायन, ठीक है। बौधायन जो शुल्क सूत्र था वो 1000 ईसा पूर्व में ही आ गया था, जिसको आजकल हम मतलब प्रेजेंट में पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है, वही बौधायन शुल्क सूत्र के थ्रू ही दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा जैसे बौधायन ने क्या दिया था, दो नंबर्स का उनके स्क्वायर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन, यानी समेशन और डिफरेंस की बात की थी, और रूट टू यानी वर्गमूल ऑफ दो का वर्गमूल की गणना भी बौधायन सूत्र के द्वारा ही की गई थी, ठीक है।
इसके बाद आया सूर्य प्राप्ति की काल आया, ठीक है। तो बौद्ध साहित्य में गणना के लिए तमाम बात आई है, जैसे गणना की साधारण गणित की बात की गई बौद्ध साहित्य में, ठीक है। उच्च गणित भी बताई गई है और संख्याओं को भी तीन रूप में बताया, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और इन्फिनिटी, ठीक। संख्याओं की भी तीन प्रकृति, तीन टाइप्स बताए गए हैं वहाँ पर बौद्ध साहित्यों में, कौन कौन से, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और अनंत, ठीक है। गणना वाले असंख्य और अनंत, इन्फिनिटी, ठीक। अब नेक्स्ट आया हमारा पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल कब से कब स्टार्ट रहेगा हमारा, चलेगा हमारा 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक हमारा क्या चल रहा है भाई, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में बहुत सारे दार्शनिक और ज्योतिषाचार्य हुए, ठीक है, और उन्होंने अपना अपना इस मैथ के बारे में अपनी नॉलेज शेयर की, ठीक है। जैसे अभी वक्षाली ने, वक्षाली एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने गणित में गणितीय विधियों का व्यापक प्रयोग बताया, ठीक है। भगवती सूत्र में एन प्रकारों से, जैसे मतलब कोई भी हम सम सॉल्व करते हैं उसके एन टाइप्स, ठीक है। एनवा पद क्या होगा, जैसे बोलते हैं ना एनवा हिस्सा क्या होगा, एक बटे दसवां हिस्सा, तो एक बटे दसवां जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर एनवा की बात कर रहे हैं, एनवा पद, ठीक है, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने मतलब पूर्व मध्यकाल में ज्योतिषी गणनाओं का विकास हुआ, ठीक है। और अरब देश के जैसे अल ख्वारिज्म ने अपनी पुस्तक अल जब्र, ठीक है, अरबी एक मैथमेटिशियन थे अल ख्वारिज्म, उन्होंने अपनी पुस्तक अल जब्र और अल मुकाबला में भारतीय बीजगणित का व्याख्या, मतलब व्याख्या की है, ठीक है। भारतीय बीजगणित की व्याख्या उन्होंने की है, और इसी के मतलब क्योंकि उन्होंने भारतीय बीजगणित की व्याख्या अल ख्वारिज्म ने की है, तो इसी के बेसिस पे इसको एल जबरा बोला गया है बाद में, ठीक है, जिसको हमें अभी बीजगणित इंग्लिश में एल जबरा बोलते हैं, ठीक है। ये तो पूर्व काल था, कब से कब तक, 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक। इसमें कौन कौन आया, भगवती सूत्र आया, स्थानांग सूत्र आया, वक्षाली सूत्र आया और अल ख्वारिज्म की बात हुई, ठीक है। इसी टाइम पे 628 ईसा पूर्व में ब्रह्मगुप्त भी थे, ठीक है, ब्रह्मगुप्त थे। उनका उन्होंने क्या कहा था, जैसे ब्रह्मगुप्त ने बात की थी पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स की, ठीक है। इनका कहना था कि अगर धन संख्या यानी पॉजिटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर है, उनका जो प्रोडक्ट करेंगे यानी मल्टीप्लिकेशन हम फाइंड करेंगे वो हमेशा नेगेटिव नंबर ही मिलेगा, ठीक है। और दो नेगेटिव नंबर्स हैं अगर मान लीजिए उनको प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। और दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट भी हमको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक। इसकी बात की थी कि इन्होंने ब्रह्मगुप्त ने, ठीक है। इसी तरह वर्ग की बात की, घनमूल की बात की, ठीक है, वर्गमूल की बात की, घन की बात की, ठीक है। मतलब अगर एक एक नंबर उसी को उसी नंबर से जैसे तीन गुणे तीन करें तो ये तीन की पावर तीन की घात तीन हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, घनमूल, सॉरी घन। और जैसे वर्गमूल निकालते हैं तो रूट का साइन लगाते हैं, ठीक है, उसी तरह घनमूल में भी रूट का साइन लगता है, बस जहाँ पे रूट का कैप बनता है वहीं पे हम थ्री लेते हैं छोटा सा, तो बताता है, इंडिकेट करता है कि हाँ ये घनमूल की बात हो रही है। इसी तरह अगर चौथे मूल की बात हो रही तो रूट ऑफ फोर लगाएंगे हम, ठीक है। अब इसके बाद आता है गोल्डन पीरियड, जिसको बोलते हैं मध्यकाल, ठीक है, गोल्डन पीरियड या पीरियड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक, क्योंकि यहाँ पे एकदम से चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, इसको हम अभी जब डिस्कस करते हैं अभी तो देखिए पता चलता है क्यों चेंज हुआ, क्या चेंजेस हुए और क्यों इसको हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं। क्या हुआ, इस काल में मतलब इस काल को जो मध्यकाल था इसको हम लोग गोल्डन पीरियड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस काल में बहुत से गणितज्ञ हुए, ठीक है, और जिन्होंने गणित की विभिन्न शाखाओं का विकास किया, ठीक है, और जिनका और मतलब इतना अच्छा विकास किया कि उसका अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं, उस पर अभी भी हम रिसर्च कर रहे हैं, उस पर अभी भी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आर्यभट्ट, ठीक है, सबने नाम सुना होगा आर्यभट्ट का, ठीक है, पटना के मूल निवासी थे और इनकी पुस्तक है आर्यभट्टी, इसमें इन्होंने 332 यानी 332 मैथ्स के श्लोक लिखे हैं, कितने, 332 मैथ के श्लोक लिखे हैं, ठीक है। और उसी में इन्होंने पाई की व्याख्या की है कि पाई का मान क्यों हुआ, 3.14 किस तरह हुआ, ठीक है। और इन्होंने बताया कि पृथ्वी हमारी जो है गतिशील है और सूर्य क्या है, स्थिर है, ठीक है। और बाद में कोपरनिकस ने 1100 वर्षों बाद, करीब 1100-1200 वर्ष बाद ये एक्सेप्ट किया और सिद्धांत प्रतिपादित किया कि हाँ ये जो इन्होंने आर्यभट्ट साहब ने बात की है कि सूर्य स्थिर और पृथ्वी घूम रही है,
ये सही बात है, ठीक है। और गैलीलियो ने भी इसी बेस पे बहुत सारे सिद्धांत दिए, ठीक है। आर्यभट्ट ने ये सिद्धांत जरूर दिया था कि हाँ पृथ्वी घूम रही है और सूर्य स्थिर है, बट इस बात को वो वेरीफाई नहीं कर पाए थे उस टाइम पे, ठीक है। और उन्होंने अगर संस्कृत के अकॉर्डिंग वेरीफाई किया भी होगा तो उसका कोई मतलब लिखित प्रमाण नहीं था। तो लिखित जब प्रमाण नहीं है तो यहाँ तो हम जानते हैं वही है ना कि हाँ हर चीज़ का रिटर्न प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, तभी तो हम मानेंगे कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, ठीक है। तो रिटर्न प्रूफ नहीं था, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम हुई कि हाँ बाद में कोपरनिकस को मान्यता मिली कि इन्होंने ऐसा बोला था। फिर इसी के बाद भास्कर आए थे प्रथम, भास्कर प्रथम जिनको बोलते हैं 600 ईसा पूर्व में, इन्होंने महाभास्करीय ग्रंथ की रचना की, ठीक है, जिसको आर्यभट्टीय भाष्य या लघु भास्करीय कहते हैं, ठीक है। आर्यभट्टीय भाष्य मतलब जो आर्यभट्ट ने सूत्र लिखे थे उनका इन्होंने उसको और एक्सप्लेन किया, ठीक है। देन आफ्टर 628 ईसा पूर्व में ब्रह्मगुप्त आए, ठीक, 620 ईसा पूर्व में ब्रह्मगुप्त आए, ठीक। देन आफ्टर ब्रह्मगुप्त ने क्या किया था, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत दिया था जो कि बीजगणितीय नियमों की व्याख्या करता है, ठीक है। बीजगणितीय नियमों की व्याख्या करता है कौन, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ठीक है। इसमें इन्होंने समखात यानी प्रिज्म की बात की थी और कोण सिलेंडर की बात की थी, ठीक है। इनका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया फाइंड कर कैसे करेंगे, ये ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के थ्रू इन्होंने बताया था ब्रह्मगुप्त ने 628 ईसा पूर्व में। देन आफ्टर श्रीधराचार्य, इनकी पुस्तक थी पाटी गणित, ठीक है, का अरब में हिसाबुल तरब नाम से जिसका अनुवाद किया गया था, पाटी गणित का अरबी भाषा में हिसाबुल तरबत नाम से अनुवाद किया गया था। और इनकी एक जो द्विघात समीकरण जो था श्रीधराचार्य ने ही दिया था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसके थ्रू हम एक्स का मान या जो भी वेरिएबल्स अचर पथ रहते हैं उनका मान हम ज्ञात करते हैं। इसके बाद आए 850 ईसा पूर्व में ही महावीराचार्य, जी महावीराचार्य जो थे जैन धर्मावलंबी थे, ठीक है, जैन धर्म के अनुयायी थे, और इन्होंने गणित सार संग्रह नाम से एक गणित के ग्रंथ की रचना की। देन आफ्टर आर्यभट्ट द्वितीय है, ठीक है, इन्होंने गणित तिलक की रचना की, आर्यभट्ट द्वितीय ने गणित तिलक की रचना की। फिर श्रीपति मिश्रा जी आए, इन्होंने भी गणित तिलक और शिखर सिद्धांत दिया था, ठीक है, श्रीपति मिश्रा जी ने भी गणित तिलक और शिखर सिद्धांत दिया था। देन आफ्टर आता है हमारा ये मिडविल पीरियड हो गया, ठीक, तो इसी तरह से लीलावती एक ग्रंथ की रचना हुई थी, ये बीजगणितीय और अंकगणितीय ग्रंथ है, मैथमेटिक्स का ग्रंथ है, ठीक है, जिसकी रचना हुई थी। और इसमें क्या है कि बीजगणित लीलावती जो ग्रंथ था इसको बीजगणित का बैकबोन बोलते हैं, ठीक है, बैकबोन ऑफ एलजेब्रा बोलते हैं किसको, लीलावती में। इसमें संज्ञा नंबर सिस्टम के बारे में भी बात की गई है, ठीक है, नंबर्स कैसे फॉर्म होते हैं, क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं हम, ठीक है। देन आफ्टर आया हमारा उत्तर मध्यकाल, ठीक है, मॉडर्न इसके पहले का काल, ठीक। तो जब उत्तर मध्यकाल आया तो इसकी जब हम देखिए भाई बात करते हैं, उत्तर मध्यकाल में क्या था कि उत्तर मध्यकाल में भास्कराचार्य द्वितीय आए थे। इन्होंने गणित में कार्य बहुत ज़्यादा तो नहीं किया, लेकिन इन्होंने जो सिद्धांत पहले दिए थे उनकी व्याख्या बहुत अच्छी की, ठीक है, ठीक है। इसी के बेस पे एक केरल के गणितज्ञ थे नीलकंठ, उन्होंने आर का मान निकालना बताया, ठीक है, विभिन्न विधियों से आर का मान कैसे कैसे निकाला जाता है इस बारे में बात की थी, ठीक। फिर कमलाकर आए थे, सम्राट जगन्नाथ आए, नारायण पंडित आए, इन्होंने नारायण पंडित ने गणित कौमुदी नामक बृहद ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। नीलकंठ ने 1587 में ताजिक नीलकंठी की ग्रंथ की रचना की, जिसमें ज्योतिषीय गणना के बारे में बात की गई, नीलकंठ के ताजिक नीलकंठी में ज्योतिषीय गणना के बारे में बात की गई है। सम्राट जगन्नाथ 1731 ईस्वी में सम्राट सिद्धांत और रेखागणित नामक पुस्तकें लिखी, ठीक है। और वैसे भी आप लोग, ये तो खैर बुक इस नॉलेज की बात है, आप लोग जंतर मंतर के बारे में बहुत सुने होंगे और मे बी आपसे आप में से बहुत लोग वहाँ पर गए भी होंगे। वहाँ पर देखिए आप, उन्होंने राजा सवाई मान सिंह ने ज्योतिष रिलेटेड इक्विपमेंट्स यंत्र बनाए हैं, और सोचिए
उस टाइम पे उनका मैथ्स इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने जो भी यंत्र बनाए एकदम एक्यूरेट रिजल्ट्स आज भी दे रहे हैं, है ना। तो यानी उस समय उन लोगों को मैथ की नॉलेज कितनी अच्छी रही होगी, ठीक है। इसलिए उस पीरियड को हम लोग गोल्डन पीरियड बोलते हैं, क्योंकि वहाँ जो भी सिद्धांत मिले वो आज भी उतने ही रिलायबल हैं, उतने ही ज़्यादा एक्यूरेट हैं, ठीक। अब आते हैं हम प्रेजेंट एज में, मॉडर्न एज में, ठीक है। मॉडर्न एज की जब हम बात करते हैं तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, इन सब मैथ के ब्रांचेस की ज़्यादा का ज़्यादा विकास हुआ, ठीक है। मॉडर्न एज में किसका विकास हुआ? मैथ के विभिन्न ब्रांचेस, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, कैलकुलस हुआ, डायनेमिक्स हुआ, ठीक है, स्टैटिक्स हुआ, स्टैटिस्टिक्स हुआ, ठीक है, इन सब का विकास हुआ। इसमें बहुत सारे मैथमेटिशियंस थे, जैसे इंडियन हम मैथमेटिशियंस के भी को अभी डिस्कस करेंगे, जैसे नृसिंह बापूदेव शास्त्री 1831 ईस्वी में थे और सुधाकर द्विवेदी थे। तो नृसिंह बापूदेव शास्त्री ने जो पुस्तकें लिखी हैं, इन्होंने त्रिकोणमिति पे, रेखागणित पे, अंकगणित और श्यानवाद पे पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है। इसी तरह सुधाकर द्विवेदी की जो ने जो गणित में योगदान है, उनका गणित में योगदान आपके ये दीर्घवृत्त और परवलय, रेखा, वृत्त, मतलब जो निर्देशांक ज्यामिति थी, ठीक है, टू डायमेंशनल जो फिगर्स कर्व बनते थे, वक्र बनते थे, उनके विभिन्न सिद्धांतों की बात सुधाकर द्विवेदी ने विभिन्न अपने पुस्तकों में लिखी है। और जो ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य ने पुस्तकें लिखी थी, उनके जो सिद्धांत दिए हैं उनकी व्याख्या सुधाकर द्विवेदी ने की है। देन आफ्टर इसी टाइम पीरियड में रामानुजम आप सभी से परिचित होंगे, बहुत बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे हमारे बिहार के, और ये मतलब वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी फेमस थे, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे गणितीय सिद्धांतों की को लिखा, सिद्ध किया और उनको आगे बढ़ाया, और उन्होंने 50 प्रमेय प्रतिपादित की, और जो प्रमेय उन्होंने उस टाइम दी थी उनमें से एक दो को सिद्ध करने में मैथमेटिशियंस को मतलब 20-50 साल लग गए, ठीक है। इनकी जो बुक्स थी रामानुजम डायरी में रचनाएं इनकी प्रकाशित हुई थी, ठीक है। इसके बाद आए स्वामी भारती रामकृष्ण तीर्थ जी महाराज 1844 और 1960 ईस्वी में, स्वामी भारती रामकृष्ण तीर्थ जी महाराज 1844 और 1960 ईस्वी में आए थे, और इसी भी साथ में इन्हीं के जगद्गुरु शंकराचार्य ने भी मैथ के बारे में काफ़ी बात की थी, जिसमें वैदिक गणित की बात की थी, ठीक है। वैदिक गणित से अंकगणित को की कैलकुलेशंस को करना बहुत आसान माना जाता है और एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलता है, ठीक है। इनकी और ये एक इन्होंने जो ग्रंथ अपने वैदिक गणित रूपी ग्रंथ में जो नियम दिए हैं सॉल्व करने के, वो परफेक्ट और रिलायबल रिजल्ट और एक्यूरेट रिजल्ट ही देते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हाँ काम चलाओ सरकार है, ठीक है। और वैदिक गणित आज भी अप्लीकेबल है, लोग सीख रहे हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ उसको पिछड़ा हुआ मैथ माना जाता है, लेकिन अभी भी लोग सीख रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकल्स जो कैलकुलेशंस होती हैं अभी भी वैदिक गणित के आधार पर ही होती है, उसके सिद्धांतों पर ही होती हैं। और ये माना भी जाता है कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी अच्छे से सीखनी है तो आपको वैदिक गणित का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो ये अभी कौन कौन से पीरियड की हमने बात की, अभी हमने बात की है उत्तर में, सबसे पहले हमने बात की थी किसकी, आदिकाल की, फिर वैदिक काल की, फिर उत्तर वैदिक काल की बात की, ठीक। आदिकाल, वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल की बात हम लोगों ने की, ठीक है। फिर उत्तर वैदिक काल के बाद हमारे पूर्व मध्यकाल पे, मध्यकाल जिसको हम स्वर्ण युग भी कहते हैं, फिर उत्तर मध्यकाल और वर्तमान काल की बात की, ठीक है। और देखिए अर्ली मॉडर्न पीरियड में ये पीपीटी आप दो लोग सामने देख रहे होंगे, इसमें ट्रिग्नोमेट्री और लॉग की बात की, लॉग का विकास हुआ, ठीक है। एलजेब्रा, एनालिटिकल ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। कैलकुलस का विकास हुआ, ठीक है। ये आप जो इंग्लिश में आपको नोट्स हैं उसी का हिंदी रूपांतरण है, हिंदी अनुवाद है, हो सकता कुछ लिखने में इधर उधर हो गया हो तो उसको माइंड मत कीजिए, इंग्लिश वर्जन देख लिया ज़्यादा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
और अगर नोट्स बनाना चाहें तो आप लोग वीडियो डाउनलोड करके देख सकते हैं, पॉज करके नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड हो इसी में कमेंट में आप लोग बताइएगा आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे, ठीक है, वो बताइएगा, डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और होमवर्क की अगर हम बात करें तो आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों को इस विषय में बताना है कि जो होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन आप लोगों को बोल रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। गणित के क्षेत्र में कुछ महान विभूतियों, गणित के क्षेत्र में कुछ महान विभूतियों जैसे आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, रामानुजम, पाइथागोरस के कार्य क्षेत्र की विवेचना कीजिए, ठीक है। गणित के क्षेत्र में कुछ महान विभूतियों जैसे आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, रामानुजम, पाइथागोरस के कार्य क्षेत्र की विवेचना करनी है आप लोगों को, ठीक है। इनका कार्य क्षेत्र क्या था, इनका गणित में क्या योगदान था, ये आप लोगों को बताना है, ठीक। मैं क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। गणित के क्षेत्र में कुछ महान विभूतियों जैसे आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, रामानुजम और पाइथागोरस के कार्य क्षेत्र की विवेचना कीजिए, ठीक है। और ये आपका गणित का इतिहास भी कवर करता है, जो मतलब कैसे गणित का कैसे कैसे विकास हुआ इस बारे में हम लोगों ने आज चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब पहुँचेंगे तो कल की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मैथ्स जो था इसका अभी प्रेजेंट एज में कैसे विकास हुआ, आधुनिक विकास कैसे हो रहा है या कैसे हुआ, इस बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, डाउट्स आप लोग अपने जरूर क्लियर करिएगा और क्वेश्चंस मैंने जो होमवर्क दिया है इसका आंसर आप लोग एक पेज पे लिख के अब जो आप लोगों का चैनल हम लोग कॉलेज का ERP के थ्रू ID पासवर्ड मिला है उस पर आप लोग कोई आंसर पोस्ट कीजिएगा। जो होमवर्क दिया जा रहा है वो ज़रूर करिएगा क्योंकि वो आपके इंटरनल असेसमेंट में काम देगा। बाद में आप लोग कंप्लेंट करते हैं कि हाँ सर हमारा हमको इंटरनल मार्क्स कम मिले, इसीलिए कम मिलते हैं क्योंकि आप लोग इंटरनल असेसमेंट के लिए जो वर्क दिया था वो आप लोग करते नहीं, उसके रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।